बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्टी फूड्स। आज मैं स्पेशल वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं बनाने जा रही थी भिंडी गोश्त फादर्स डे के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भिंडी गोश्त बहुत पसंद है और आई वॉज थिंकिंग के उनके लिए भिंडी गोश्त बनाते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है। और चने शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ मैं फुल रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा शेयर करती हूँ, साथ में मैं पॉपुलर वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लाजमी चेक करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भिंडी गोश्त मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो उसके लिए मैंने लिया है गोश्त 1 किलो, तकरीबन 1 किलो, भिंडी 600 ग्राम्स मैंने फ्रोजन वाली ली है। मुझे फ्रोज़न बाय करना आसान लगता है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और प्याज लिए हैं मैंने 5 अदद दरमियाने साइज़ के, 3 मैं अभी गोश्त के साथ यूज़ कर लूँगी और 2 बाद में मैं भिंडी में यूज़ करूँगी। और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, लहसुन तकरीबन आधी गड्डी या आधी पोथी आप कह लें, हरी मिर्चें 6 ली हैं मैंने, और इधर नमक मिर्च में लिया है 1 टीस्पून नमक, क्या होगा 3/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी। लाल मिर्च मैंने जानबूझ के थोड़ी कम ली है क्योंकि मैं हरी मिर्च भी बारीक कुतर के डाल रही हूँ, और अगर आप तेज़ खाते हैं, तेज़ मिर्चें खाते हैं, तो आप अपनी मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माई किचन। मैं गोश्त पकाना शुरू कर रही हूँ और इसके लिए स्टोव मैंने ऑन कर दिया मीडियम हाई पे, और कुकिंग ऑयल मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। इसको गर्म होने देते हैं, तो तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं गोश्त को मैंने धोकर रख लिया था, इसको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो ढक्कन इसलिए दे रही हूँ कि एकदम से जब गोश्त ऑयली हो जाएगा तो थोड़ा सा हांडी को मिला रही हूँ, साथ में इसमें मिला कैंड कर रही हूँ मुझे सिखाने के लिए। इस पॉइंट पर मैं इसमें बाकी के मसालों भी ऐड कर दूंगी, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला। गरम मसाला इस पॉइंट पर ऐड करने का मकसद यह है कि गोश्त में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है और गोश्त का टेस्ट ऊपर ही डिफरेंट करता है। Thank you.
इसको फेमस बहुत ज़्यादा नहीं भूलूँगी, बस एक या दो मिनट मैंने इसको भूलना है। आप कितनी मिनट सब मसालों को मैंने कट करके तैयार कर ली, टमाटर प्याज और लहसुन ये चीज़ें मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दूंगी और पानी सिर्फ एक गिलास ही ऐड करूंगी। गोश्त जो है बहुत ताज़ा और बहुत नरम है, ये बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए सिर्फ एक गिलास पानी ऐड किया। और अब जब तक ये इन सब चीज़ों का पानी खुश्क होता है, टमाटरों का और प्याज का पानी भी होगा, ये जब खुश्क होता है तो फिर इसको मैं भर दूँगी। और जब तक गोश्त गलता है तब तक मैं साथ में भिंडी को कट करके फ्राई कर लूँगी। तो जब तक गोश्त गल रहा है और गोश्त का पानी ड्राई होता है, गोश्त वाले पतीले को मैंने दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप देख सकते हैं इस स्टोव में तीन चूल्हे हैं, स्मॉलेस्ट, मीडियम एंड द बिगेस्ट वन। तो मैं सबसे बड़े वाले को, ये जो बाहर वाला है, इसको मीडियम हाई हीट पे, क्योंकि मेरा पैन बड़ा है पूरा उसको नीचे से कवर करने के लिए, मीडियम हाई हीट पे मैंने इसको ऑन कर लिया और तकरीबन हाफ कप ऑयल मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। इसमें मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी। जैसे ही ये गर्म होता है, भिंडियाँ मैंने कट कर ली है, इनको अब मैं, तेल गर्म हो गया, इसमें फ्राई कर लूँगी। और इस पॉइंट पे मैं भिंडियों के नमक भिंडियों में ऐड करूँगी, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, इससे भिंडियों का जायका अच्छा हो जाता है। भिंडियाँ क्योंकि फ्रोजन थी तो थोड़ी ठंडी है, और उसे ऑयल गर्म होने के बाद जब मैंने भिंडियाँ उसमें डाली तो मेरा ऑयल भी ठंडा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हीट अप होने देते हैं। गोश्त मैं दूसरे चूल्हे पर पका रही हूँ तो उसको चेक कर लेते हैं कि पानी उसमें कितना रह गया है। चम्मच से चला रहे थे ताकि इसमें पानी है, जब तक ड्राई होगा तो ये जो भिंडियों का पानी है या भिंडियों का वेस्ट है उसको दूसरे ड्राई करना है। भिंडियाँ मेरी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मैंने प्याज थोड़े लंबे लंबे करके काट लिए थे, ये ऐड कर लूँगी, और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट ली हूँ, ये ऐड कर लूँगी पूरे चीज़ में। भिंडियों का फ्राई होने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रही है और देखने में बहुत मज़े की लग रही है। टाइम टू टेक इट ऑफ फ्रॉम द स्टोव। ओके, भिंडियाँ मैंने चूल्हे से हटा लिया, अब मैं गोश्त की पतीले को वापस इस चूल्हे पे ला रही हूँ। गोश्त भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसका ये पानी अब मैं ढक्कन हटा के इसका पानी मैं ड्राई कर दूँगी। और जैसा कि मैंने कहा था, गोश्त बहुत फ्रेश और सॉफ्ट है, ये देखें कितने आराम से गलेंगे, गल चुका है इसका, सिर्फ ये पानी ड्राई हो जाए तो इसको फोन के इसमें भिंडी ऐड करूँगी। इस पानी के सूखने तक बीच में जो कसर रहती है वो पूरी हो जाएगी। देखिए कुकिंग में अलग होना शुरू हो गया मसाले से, दैट मीन्स के गोश्त ऑलमोस्ट भूनने के करीब है। तो 2-3 मिनट तक बस फिलहाल भून लेंगे और उसके साथ ही भिंडी ऐड कर देंगे। चलिए गोश्त हो गया, अब टाइम है इसमें भिंडी ऐड करने का, और साथ ही मैं चम्मच भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि अब इस चम्मच से चलाने का मतलब है भिंडी और गोश्त को पीसे। हमारी भिंडी इसको अंदर रोशनी चलाई,
इसको ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए रख दूंगी। साथ ही मैं इसका चूल्हा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ये ग्लास टॉप स्टोव है तो जो चूल्हा है वो ऑलरेडी बहुत गर्म है। इसको देख लेते हैं और साथ ही हरा धनिया ऐड करके इसको बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी गोश्त तैयार है। हरा धनिया थोड़ा सा मिक्स करके और दैट्स इट। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? मैं तो बस वैसे कचूमर बना रहा हूँ। तुमने इतना स्पेशल खाना बनाया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा साथ कचूमर और तंदूर की रोटी। अब भिंडी गोश्त हो और कचूमर की रोटी, कचूमर और तंदूर की रोटी ना हो तो कोई फायदा क्या? तंदूर की रोटी लेने आप जाएंगे? जाहिर है, अब भिंडी गोश्त खाएंगे तो फिर तंदूर की रोटी होगी और कचूमर होगा तो मजा आएगा। मेरी छुट्टी, मुझे रोटी नहीं पकानी पड़ेगी। That's good. वही तो, इतना स्पेशल खाना, इतना स्पेशल डिश बनाई है तो तंदूर की छुट्टी और चुमर मैं बनाता हूँ। तंदूर की छुट्टी, रोटी की छुट्टी, रोटी पकाने की छुट्टी और चुमर मैं बनाता हूँ। चुमर आप बना रहे लो? फादर डे पे लोग फादर्स को सरप्राइज देते हैं, यहाँ पे फादर डे पे फादर अपनी खिदमत खुद ही कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। नहीं, खिदमत की ना, बनाया ना आपने वो क्या कहते हैं, भिंडी भिंडी बनाई ना, तो कचूमर हम बनाते हैं। दोस्तों मेरा कचूमर बनाने का तरीका अगर आप देखेंगे तो उसको इंजॉय करने के लिए देखिएगा। कुक तो हूँ नहीं मैं, आपकी जो प्रेजेंटर हैं उनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया हुआ है। और खब्बे हाथ से छुरी पकड़ ली है। हाँ, ये एक इशू है मेरे साथ, पर अब है, क्या करेंगे। देखो सारी तरफ गम बना लिया, एक प्याज छिले दादा। अब ऐसा करता हूँ ना, पहले कचूमर बना लेता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ तंदूर की रोटियां पैक करने, फिर आके हम एंजॉय करते हैं डिनर। क्या है आप? ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा बोले हैं। वो तो ठीक रहेगा, लेकिन कचूमर के प्याज आप ऐसे काट रहे जैसे गोश्त पर ही बारीक बारीक काट रहे। हाँ, इसलिए मैंने अपने व्यूअर्स से पहले कहा है कि इस प्रोसेस को एंजॉय करें, मेरा तरीका ना देखें। ऐसा करते हैं ना, एक स्पेशल कैलेंडर बनवाते हैं और उस पे वीक में एवरी वीक एक दिन पे फादर से लिखवा देते हैं। तो उस तरह जो है भिंडी गोश मिलेगा रोज, क्या है, वीकली एटलीस्ट। कल ऑर्डर देना दूं मैं उसका। तो ले जी, प्याज तो कट गए। अब मैं क्या करता हूँ, पता नहीं क्या किया जाता है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूँ, मैं इनको पहले थोड़ा सा खोल देता हूँ और फिर इन पर नमक छिड़क देता हूँ। अच्छा, प्याजों को मैंने काट के साइड पे कर दिया, नमक लगा दिया। अब थोड़ी देर प्याज नमक के साथ रही और मैं टमाटर और मिर्चें तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, उनको मैं इसमें निकाल लेता हूँ। कचूमर यानी के ऑनियन एंड टोमेटो सैलेड विद थाई चिली एंड लेमन।
लेमन मैंने छोड़ूंगा, इसके अंदर पूरा नहीं। आज बड़ा मजा आएगा तुम्हारा कचूमर। तंदूर की रोटी मैं अभी जाके लेके आता हूँ और भिंडी गोश्त। क्या बात है, ये मिर्चें थोड़ी सी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुई। ले जी, ये हो गए कचूमर तैयार। कचूमर तैयार हो गया और ऑनियन एंड टोमेटो सैलेड विद लेमन एंड थाई चिली। स्पाइसी होता है लेकिन बड़ा मजे का होता है। अब मैं ऐसा करें, कैमरे को बंद कर रखें और मैं जाकर लेकर आऊं। क्या कहते हैं, अब तो देख देख के इसको भूख लगना शुरू हो गई है मुझे। तो हम ले आए जाके तंदूर की रोटियां और कैमरे को ऑफ करते हैं। ये लें जी, भिंडी गोश्त विद तंदूर की रोटी एंड कचूमर। डिनर इज सर्व्ड, आप आ जाए खाना खाने के लिए। जस्टी फूड्स की तरफ से तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।